घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। खूबसूरत से तरीके से बना हुआ है मंदिर, देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं श्री कादिर। आज मैं आपको लेकर आया हूं चंडी माता मंदिर, और देख सकते हैं हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। पहाड़ पे स्थित है और इस जगह पर शाम के समय पर भालू दर्शन के लिए आते हैं। माता का दर्शन करके भालू फिर चले जाते हैं, तो चलते हैं आपको यहाँ का दर्शन कराते हैं। तो आप मेरे वीडियो पर सोच लेकर अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा का सामग्री, नारियल वगैरह सब चीज़ यहाँ पर मिलता है, और ये है इधर पहाड़ पे स्थित है। तो चलते हैं, धीरे धीरे करके पहाड़ भी चढ़ना है, उसके बाद आपको दर्शन भी कराते हैं। पहुँच चुके हैं, कुछ कुछ मंदिरें और हैं यहाँ पे, उसका भी आपको दर्शन कराते हैं। अभी धूप के समय पूरा शांत वातावरण है, श्रद्धालु लोग का भीड़ अभी लगा नहीं है क्योंकि धूप तेज है इस कारण से, और पहाड़ पे स्थित है। तो चलते हैं। तो पहले आपको यहाँ का आपको दर्शन कराते हैं। तो आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे घर बैठे। यहाँ पास नाम भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। और इसके जस्ट बगल पर और एक मंदिर है, उसका भी आपको दर्शन कराते हैं। और देख सकते हैं ऊपर से नज़ारा काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो हम इस वाले मंदिर पर आ चुके हैं, और इधर से आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है फर्श धूप की वजह से, इस कारण से हम पीछे के रास्ते से आए हुए हैं। और यहाँ पर बजरंगबली जी का दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इस जगह से आप देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और भालू भी आते हैं, तो देखते हैं कितना समय भालू यहाँ पे आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पास लिखा हुआ है रोज़ भालू आते हैं, आते ऐसा करके लिखा हुआ है। तो देखते हैं कितना समय तक के भालू आता है इस जगह पे। तो भालू देख के भी हम जाएंगे कि आज आता है कि नहीं आता, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे भालू। तो आप वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। और देख सकते हैं सामने मंदिर है, आपको दर्शन कराते हैं माता रानी का। तो आप दर्शन कर सकते हैं घर बैठे माता चंडी का, बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है हमेशा इस जगह पे। सो फ्रेंड, ये था माता चंडी का आपको दर्शन करा चुके। तो अब चलते हैं नीचे के साइड और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं, और कितना समय यहाँ पे इस भालू आता है उसका भी आपको नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे। तो आप मेरे वीडियो का सोच लेकर एंड तक के बने रहिए। तो फ्रेंड, ये था माता का, वो दर्शन करा चुके। तो अब इस साइड चलते हैं और क्या क्या यहाँ पर मंदिर है उसका भी आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पास लिखा हुआ है, पत्थर में पेंटिंग वगैरह हुआ है, माता जी का नंगाड़ा ये लिखा हुआ है, और हूबहू नंगाड़े के आकृति से बना हुआ है, देख सकते हैं। और इस जगह पर लिखा हुआ है भालू आने का समय 3 बजे से रात्रिकालीन तक। तो 3 बजे तक के हम इंतज़ार करके देखेंगे कि भालू आता है या नहीं आता। तो देखते हैं, इधर भी
नंगाड़ा है। तो चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। इधर ही से भालू आते हैं। देखते हैं और क्या क्या नज़ारे हैं इधर का। और इस साइड से देख सकते हैं मंदिर किस तरह से बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ चलते हैं माँ काली गुफा का, गुफा का भी आपको दर्शन कराते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो चलते हैं अंदर की ओर। देख सकते हैं गुफा के अंदर पे विराजमान हैं माता काली, घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और जस्ट इस साइड पे और एक रास्ता बना हुआ है, उसको भी चढ़ के देख लेते हैं। गेट बंद है अभी इस साइड का। तो फ्रेंड अभी तक के भालू नहीं आए हैं, तो और कितना समय तक आ गए पता नहीं है, फिर भी हम इंतज़ार करेंगे भालू कितना समय आता है। तो और देख सकते हैं सामने प्रतीक्षालय भी बना हुआ है बैठने के लिए। और मंदिर तो आप देख ही चुके हैं बाहर, बहुत ही खूबसूरत से तरीके से बना हुआ है मंदिर, देख सकते हैं। तो देखते हैं कितना समय भालू आता है, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो फ्रेंड काफ़ी समय से रुकने के बाद शाम को 6 बजे चंडी माता मंदिर में अभी आया है भालू। तो चलते हैं और आपको यहाँ का भालू भी दिखाते हैं। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है देखने के लिए। अभी पहुंचा है शाम को 6 बजे। भीड़ भाड़ को आप देख ही सकते हैं। और जस्ट उस पार जाली भी लगाया गया है, उस पार है भालू। और ये है इधर मंदिर, एक ही भालू आया है अभी और आएगा से बता रहे हैं, अभी पहुंचा नहीं है अभी।